सीरियल कुमकुम भाग्य के अपकमिंग एपिसोड में सरला जी, जिसे निखिल ने किडनैप कर लिया था, अब वो उसकी कैद से आजाद हो जाएंगी, जिसके बाद सरला प्रज्ञा और अभी को निखिल की सच्चाई बताने जा रही होगी कि उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आइए आपको ले चलते हैं शो के सेट पर, जहां बेचारे प्रज्ञा और अभी अपनी सरला माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए लोगों से मदद मांग रहे हैं, पर उनकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। क्या सरला जी अब बच पाएंगी? ये जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल। अरे भाग के आ जाए इधर, आ जाओ पास, भागो भागो भागो। तो क्या सरला माँ फना हो चुकी है या सरला माँ आप क्या चाहते हो बताओ? सरला माँ फना हो जाए कि वापस आए? वापस आए ऑब्वियसली, प्रज्ञा की तो बस ढाल है। जैसे प्रज्ञा दुआएं करेगी वैसे आप भी दुआएं कीजिए, और अगर आपकी दुआएं काम कर गई तो वापस आ जाऊंगी, नहीं करी तो बुलबुल के पास। क्या लगता है कौन होगा इसके पीछे? मुझे तो पता ही है कि वो निखिल और तनु है, लेकिन प्रज्ञा और अभी को नहीं पता है ये बात, और उन्हीं को ये बात बतानी है ताकि अभी को पता चले कि असल में उसके साथ कितना धोखा हो रहा है। और तनु ने एक अनचाहे बच्चे का नाम चाहती है कि वो अभी के ऊपर चढ़ जाए, और बेचारी प्रज्ञा का घर फालतू में बर्बाद कर रही है। तो ये समय आने पर जब मुझे होश आएगा या मैं मर जाऊँगी तो मेरे साथ ही चला जाएगा, ये तो राइटर्स को ही पता है, मुझे नहीं पता। तो जल्दी आई थिंक कुछ बड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट है, अभी हमने पिछले हफ्ते ही प्रज्ञा जो मतलब मेरे जीवन से चली गई थी वो वापस आ गई, हमारी दोस्ती हो गई, और अब ये एक्सीडेंट हो गया है, और अगले हफ्ते पता नहीं होश आता है या मर जाती हूँ। तो बहुत सारे ट्विस्ट हैं कुमकुम भाग्य में, बस मेरी बच्ची का जो कुमकुम है वो हमेशा ऐसा ही सजा रहे, यही हर माँ की, और आई थिंक ये पूरे जितने भी लोग कुमकुम भाग्य को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी यही दुआएं। तो कुमकुम भाग्य ऐसे ही चमकता रहेगा और हमारे ट्विस्ट ऐसे ही बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।